का ओवर कॉन्फिडेंट बहुत खराब चीज है। कमलनाथ जी को भी ओवर कॉन्फिडेंट था, गहलोत जी को भी था, इसलिए वहाँ सरकार नहीं बनी है। अब तो ये सीखने का मौका आया ना, जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, घमंड में चूर होते हैं, वो आगे नहीं जीतते। ईवीएम का जब ईवीएम भी एक बड़ा कारण है, जब तक ईवीएम अगर जब तक हाथ से आदमी जब मोहर नहीं मारता था, भाई मोहर मारो टान के पंजा के निशान पर, अब बटन दबाते हैं लोग, बहुत सारे लोग आगे पीछे होते हैं, इसके वजह से बिहार हो सकता है। ईडी केंद्र के सहारे पर काम करती है। आज तक बताइए ईडी ने किसी बीजेपी के सांसद या बीजेपी के मुख्यमंत्री मंत्री के पास गई है, घर गई है, जाँच किया है, जाके पकड़ा है क्या? नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। जिस तरीके से पांचों राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, पांच में से तीन राज्यों में जो है भाजपा की सरकार बनती भी नजर आ रही है। कल मिजोरम का भी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन आज जो चार राज्यों का रिजल्ट आया उसमें से तीन जगह जो सरकार है भाजपा की बनती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ फिरोज खान मौजूद है, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। क्या हुआ ऐसा कि भाजपा सरकार बनती हुई नजर आ रही है? देखिए, ये भाजपा की सरकार नहीं बनी, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज तीन राज्य चार राज्य का काउंटिंग हो रहा है। चार राज्य में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बन रही है, लेकिन आज कहीं ना कहीं तीन राज्य जो हम लोग हारे हैं वहाँ भी हमारी सरकार बनने जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपस में जो मतभेद था वो खुलकर सामने आ गया और जनता कांग्रेस को देख रही थी। जनता चाहती थी कांग्रेस सरकार बने, जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और भी सारे बहुत सारे लीडर थे, उसी तरह का छत्तीसगढ़ में बघेल जी और भी बहुत सारे थे। मैं कहना, जब तक कांग्रेस पार्टी के लीडर नीचे के कार्यकर्ता को ऊपर नहीं लाएंगे, मजबूत कार्यकर्ता जिसके पीछे मास है, जिसके पीछे सब कुछ है, जब तक नहीं लाएंगे कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता है। ये मैं कड़वा सच कह रहा हूँ। राहुल गांधी जी ने 4,000 किलोमीटर पैदल चल के बता दिया कि राहुल गांधी देश को चला सकते हैं। भले थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन आने वाला समय कांग्रेस का होगा। जनता जान रही है कि राहुल गांधी देश को चला सकते हैं और किसी में दम नहीं है। आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आज लोग परेशान है, हैरान है, किसान परेशान है, जवान परेशान, हर लोग परेशान है, लेकिन कहीं ना कहीं जातीयता हावी है और भारतीय जनता पार्टी को आज जीत नहीं मिली है। ये कांग्रेस की नेताओं ने जो आपस में लड़ाई करी है, कांग्रेस को कांग्रेसियों ने हराया है, इसलिए जाकर आज बीजेपी की सरकार। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जो रैली करने वाले थे उन्होंने वो कैंसिल कर दी है, तो थोड़ा प्रभाव उससे भी नजर आ रहा है कि पड़ रहा है प्रभाव की कांग्रेस का, तभी नहीं बन पाई। कॉन्फिडेंट और घमंड बहुत खराब चीज होता है। कमलनाथ जी को ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, घमंड हो गया था कि हम 150 सीट जीत रहे, हम ये जीत रहे, हम वो। इसी तरह का आपका गहलोत जी को वन मैन आर्मी बन के चलना चाह रहे थे वो, इसीलिए हमारी हार हुई। तो हम लोग चुनाव जीत रहे थे। ये ओवर कॉन्फिडेंट घमंड बहुत चीज़ है। मोदी जी क्या बोले, मोदी की गारंटी लोगों ने पसंद किया, लेकिन राहुल गांधी जी अच्छे नेता है, वही देश को चला सकता है, मैं पक्का कहना चाहता हूँ आपको। और कोई जब तक कार्यकर्ता हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता है कांग्रेस में, जितने में कांग्रेस में कार्यकर्ता, लेकिन हर लोग अपना बेटा भाई भतीजा को आगे लाने में लगे हुए हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कमलनाथ जी ने बेटा को, दिग्विजय जी हैं आपका, और भी सारे लीडर, झारखंड में भी देखिए यही हो रहा है। जो चापलूसी करता उसके पीछे मांस नहीं है, जो चापलूसी कर रहा है, जीव जूरी कर रहा है, जो आदमी है आपका पानी पहुंचा रहा, खाना पहुंचा रहा, उसका पोस्ट दे रहे हैं। इसी वजह से आज कांग्रेस हारी। कांग्रेस अगर सच्चा कार्यकर्ता को आगे लाएगी, नौजवानों को आगे लाएगी, तो कांग्रेस सरकार जरूर बनेगी। लेकिन आप लोग कहते हैं कि राजस्थान में भी रिवाज बदलेंगे, कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, इस बार नहीं बदलने देंगे? एक ही चीज़ का ओवर कॉन्फिडेंट बहुत खराब चीज़ है। कमलनाथ जी को भी ओवर कॉन्फिडेंट था, गहलोत जी को भी था, इसलिए वहाँ सरकार नहीं बनी है। 2024 में देखिएगा, 2024 में लोकसभा में इंडिया गठबंधन आएगा और इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी, क्योंकि अब तो ये सीखने का मौका आया ना, जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, घमंड में चूर होते हैं, वो आगे नहीं जीतते। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस सरकार जो इस बार हार रही है, ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से हार रही है, तो मतलब उनको फर्क पड़ेगा कि 2024 में वो मजबूती से तैयार होंगे? एग्जिट पोल राजस्थान दिखा रहा था, छत्तीसगढ़ दिखा रहा था, मध्य प्रदेश काटा टक्कर दिखा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी हार कांग्रेस के जो नेता हैं, पुराने नेता हैं, उनके वजह से हुई है। उन लोगों ने काम नहीं किया और भाई भतीजा बात करके अपने आप लोगों को टिकट दिलाया, इसलिए कांग्रेस की हार हुई है। बस एक मैं कहना चाहता हूँ, उससे नहीं हार, लेकिन हार तो हुई है कि आप लोग ईवीएम पे भी सवाल उठा रहे हैं। हमने कई लोगों से बात करी, कह रहे हैं ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से आप लोग हार रहे हैं, तो क्या ये भी हम मान सकते हैं? तो सॉफ्टवेयर का मामला है ईवीएम का, जब ईवीएम भी एक बड़ा कारण है। जब तक ईवीएम अगर जब तक हाथ से आदमी जब मोहर नहीं मारता था, भाई मोहर मारो टान के पंजा के निशान पर, अब बटन दबाते हैं लोग, बहुत सारे लोग आगे पीछे होते हैं, इसके वजह से बिहार हो सकती है। ऐसा सही बात है, ऐसा भी कह रहे हैं। तो मतलब आप सेमीफाइनल के हिसाब से देख रहे हैं इसको, फाइनल में क्या विजय कांग्रेस सरकार की होगी? देखिए, हम लोग और जोर से उतरेंगे फाइनल में। अभी वर्ल्ड कप फाइनल हुआ ना भाई, इंडिया अनबीटन टीम थी लेकिन फाइनल में जाकर हार गई,
लेकिन हम लोग अच्छा हुआ सेमीफाइनल में हार गए, फाइनल हम लोग जीतेंगे। देखिए तो फाइनल में आप तैयारी करके आने वाले हैं, जोर शोर से तैयारी करेंगे और नए कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा। तो क्या रणनीति होने वाली है फिर आप लोगों की, जनता आप लोगों को चुने? राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़के जी आपका बैठक बुलाए हैं 2 दिन के बाद 6 तारीख को इंडिया गठबंधन के तमाम लोग बैठेंगे, बैठ कर तय करेंगे कहाँ कमी कहाँ बेसी रहा कहाँ चूक हुआ, उसका बैठ के बात करेंगे। आप ही के नेता जो है जो एक अखिलेश यादव जी हैं वो ही मतलब ऐसे गठबंधन सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं, साथ नहीं देते हैं, आप ही के नेता जो है? देखिए बहुत सारा ईडी का डर भी है, ईडी है CBI है और भी सारा मामला है। ईडी का डर दिखा दिखा के सरकार गिरा दिया जाता है, ईडी का डर दिखा दिखा के बड़े बड़े नेताओं को अपने पार्टी में BJP शामिल कर लेती है। तो कोई ना कोई अखिलेश यादव जी अच्छे व्यक्ति है, मैं जानता हूँ। लेकिन ईडी जो है वो जो स्वतंत्र बताया जाता है ना? नहीं, ईडी केंद्र के सहारे पे काम करती है। आज तक बताइए ईडी ने किसी BJP के सांसद या BJP के मुख्यमंत्री मंत्री के पास गई है, घर गई है, जाँच किया जाके पकड़ा है क्या? लेकिन जो कांग्रेस का साथ रहेगा उसको ईडी परेशान करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने इनसे बात करी, इनका कहना है कि जो कांग्रेस सरकार है वो ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से हारी है। इस बार अगर ये सेमीफाइनल में हार गए तो क्या हुआ, लेकिन जो 2024 का जो इलेक्शन से फिनाले बताया जा रहा है तो कह रहे हैं कि फिनाले में हम बहुत मजबूती के साथ आएंगे, हमारी रणनीति बहुत अच्छी होने वाली है। अब देखते हैं 2024 में क्या होगा, क्योंकि इस बार जो 5 राज्यों के जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें तो भाजपा की सरकार ही बनते हुए नजर आ रही है, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें जनता।